नमस्कार दोस्तों। तो सभी मेरे पीएससी वाले कैंडिडेट्स मेरे भाई कैसे हो? अच्छे होंगे ना? अब तो आपके मेडिकल और चरित्र सत्यापन जल्दी में शुरू होने वाले हैं। चरित्र सत्यापन होते जाएंगे, मेडिकल होते जाएंगे दोस्तों। अब तो आप सभी लोग खुश होंगे ना? हाँ भाई, अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए। अच्छे मेडिकल होंगे, टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि आप जब पीएससी ज्वाइन कर लोगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एक एक पैसे के बारे में बताना चाहता हूँ, और एक एक पैसे के बारे में बताऊंगा दोस्तों। आप शुरू से अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आपको कितना पैसा किस चीज़ का मिलता है, सैलरी के अलावा भी जो पैसा मिलता है, पूरे पैसे के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप 21,700 के मूल वेतन से बचती हो भाई, लिख के लाया हूँ। बड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ डांट के दाएं बाएं से हिसाब लगा लगोगे, लिख के पूरा लाया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। अच्छा, आप जो भर्ती हो 21,700 रुपये मूल वेतन से भर्ती हो, तो 21,700 रुपये तो आपका मूल वेतन हो गया। उसके अलावा आपका अब तक डीए फ्रीजी था, आपको पता ही होगा। तो जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक फ्रीज था, जून 2021 तक, जुलाई से 1 जुलाई से आपको डीए मिलेगा। तो 1 जुलाई से अब आपका डीए मिलेगा आपको 28%, 21,700 रुपये। तो 6,076 रुपये आपका वो बन गया। 1,500 रुपये आपका यानी भोजन अलाउंस, फूड अलाउंस है, 1,500 रुपये वो हो गया। और किट मेंटेनेंस अलाउंस 188 रुपये आपको किट मेंटेनेंस अलाउंस 188 रुपये मिलेगा। और इसके बाद एक दो छोटा मोटा अलाउंस और है, तो यानी उसको भी नहीं लगाऊं मैं, तो उसके छोड़ के ये बन रहे हैं आपके 29,464 रुपये, यानी आप करिए 29,500 रुपये मानिएगा। उसमें से एक तो आपके 100 रुपये दिसंबर के महीने में एक बीमा के कटते हैं, बीमा होता है। उसके अलावा छोटे मोटे 10-20-50 रुपये की कटिंग नाई धोबी वगैरह बार्बर वगैरह की और होती रहती है, तो ये और कटते हैं। तो यूँ करके दोस्तों मानिएगा, करीब आपको 29,500 के समथिंग ज्वाइन करते ही आपको सैलरी मिलेगी। उसमें से अगर वैसे मेरे ख्याल में कटेगा तो आपका कटेगा जो जीव को कटेगा, प्राण प्राण संख्या मिलेगी आपको एक, और आपके कार्ड बनेंगे प्राण के, जो अब पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया है ना, तो वो जीपीएफ था, पीपीएफ कटेगा आपका प्राण के थ्री, कार्ड बनेगा तो पीपीएफ आपका कटेगा। तो आपके मूल वेतन वेतन का 10% कटेगा, 10% ही मूल आपके मूल वेतन के बराबर ही आपको सरकार भी देगी, वो आपका क्लोज होता चला जाएगा। वो तो आखिर बाद की बात है, लेकिन अगर नहीं कटता है तो 29,474 रुपये, अगर कटता है तो करीब आप मानिएगा 2,000-2,022 रुपये आपके उसके कटने आएंगे, कम हो जाएंगे, इतना मिलेगा। ये आपकी दोस्तों पूरी सैलरी जो आपको दौरान ट्रेनिंग मिलेगी। बाद ट्रेनिंग के 3-3% डीए हर 6 महीना पर आपका बढ़ना है, यानी साल में 2 बार बढ़ना है 3-3%। और फिर सरकार के ऊपर है, ज्यादा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी बढ़ा देते हैं, कम भी हो जाता है। तो 3 तो निश्चित आप मानिएगा, 3 तो समथिंग मेरे ख्याल से चल ही रहा है। अच्छा, एक फिर जुलाई में इंक्रीमेंट और लगता है, वो फिक्स है, वो बिल्कुल 3% ही लगता है डीए के अलावा। यानी जुलाई में हर वर्ष एक इंक्रीमेंट लगेगा जो आपके मूल वेतन में ग्रोथ करेगा, यानी 21,700 मूल वेतन बताया था, और 3% उसमें हर वर्ष सालाना डीए लगेगा, सॉरी वो लगेगा डीए नहीं इंक्रीमेंट लगेगा, डीए नहीं इंक्रीमेंट लगेगा, यानी हर साल हर हालत में आपका 3% इंक्रीमेंट लगना ही लगना है। जुलाई में भले 1-2 महीने बाद मिलने लग जाए वो, तब से जुलाई तक का एरियर मिल जाएगा। और 3% ये तो अलग होगा इंक्रीमेंट। अब डीए साल में 2 बार 3-3% या 4-5 जैसे सरकार की मंशा होती है मिलता है, जनवरी में और जुलाई में 3-3 भी मिल सकता है, 4-4 भी मिल सकता है, जैसा मिले वैसा, वो 2 बार लगता है। तो ये मानिएगा आपकी सैलरी रात दिन हर 6 महीने पर बढ़नी बढ़ेगी। आप एक बार आ गए तो सैलरी तो बढ़ती रहेगी, एक चीज। अच्छा, अब सैलरी के अलावा बताऊंगा मैं आपको और कहां से कितना पैसा पीएससी में मिलेगा। तो दोस्तों सैलरी के अलावा आप मूवमेंट पर जाओगे, मेरा मानना है कि हर बटालियन की हर कंपनी पीएससी में लगभग 1 साल में 8 महीने आप मान के चलिएगा सरोसर मूवमेंट पर रहती रहती है। 8 महीने तो मान के चलो, ज्यादा नहीं है। तो 8 महीने में सिटी के अनुसार कहीं पे 280-290 रुपये, कहीं पर 300, कहीं पर 400, जैसे है सिटी के हिसाब से आपको वो भी मिलेगा। फर्स्ट क्लास के शहरों में अलग है, सेकंड क्लास के में अलग है, थर्ड क्लास के में अलग है,
तो मेरा मानना है कि कम से कम एक साल में आप 70-80 हजार रुपए तो ले लोगे बड़े आराम से, और ज्यादा ले लोगे। ठीक है, अच्छा वो हो गया दो। और तीसरी बात है कि जब हमारी वो आता है, वो दीपावली आती है, तो उसमें हमें बोनस भी मिलता है, 7 हजार के समथिंग बोनस। और दोस्तों एक बात और बताता हूँ कि 12 महीने में से 13 महीने की सैलरी मिलती है, ये अवकाश मिला के हमें उसका पैसा मिलता है। यानी हम लोग कभी भी छुट्टी पर नहीं माने जाते हैं, इसीलिए 12 महीने की जगह हम लोगों को 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो दोस्तों अब तो खुश होंगे ना, काफी पैसा मिल रहा है। आइएगा, मेहनत से नौकरी करिएगा और बढ़िया तरह से अपना मेडिकल करा के आइएगा। बस कुछ दिनों में आपके सेंटर खाली हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका वेतन मिलने लग जाएगा, आपकी जेब गर्म होने लग जाएगी। कोई अपना मोबाइल फोन खरीदिएगा, कोई अपनी बाइक निकालिएगा, मन हो वो करिएगा। ठीक है ना दोस्तों, बस बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।